तो भाई कैसे हैं आप लोग। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि शादियों का सीजन आ चुका है, तो हमने सोचा क्यों ना शादियों पर एक मजेदार सा वीडियो बना लिया जाए। तो भाई लोग, क्या आप किसी बिन पंगे वाले शादी में गए हैं? जी हाँ, सही सुना आपने कि कभी आप ऐसी शादी में गए हैं जहाँ कोई लफड़ा नहीं हुआ हो या जहाँ लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो। भाई हमने तो आज तक ऐसी शादी नहीं देखी जिसमें सब कुछ शांति से हो गया हो। क्या आपने शादी में स्टेज पर दूल्हा दुल्हन को लड़ते हुए देखा है? नहीं, शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन आज आपको देखना होगा। क्या आपने कभी रूठ कर दुल्हन को शादी से इनकार करते हुए देखा है? अच्छा, एक आखिरी सवाल और फिर इस वीडियो को शुरू करेंगे। क्या आपने किसी दूल्हे को किसी घोड़े की लात खाते हुए देखा है? जी हाँ, मैंने देखा है, इसलिए सोचा आपको भी बता दूं। अच्छा, आप सभी जब कभी भी शादी में जाते होंगे, आपने एक से बढ़कर एक नाचने वाले लोगों को देखा ही होगा, जो कि बहुत बेहतरीन डांस का नमूना दिखाते हैं। लेकिन आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ कुछ ऐसे लोगों से जिनकी वजह से शादी से बॉयकॉट करने का मन होता है। ये लोग इतना तूफानी डांस करते हैं कि पूछो ही मत। अब जरा इस दूल्हे को देखिए, खा ना पाने के चक्कर में कैसे गुस्साए हुए है। मतलब इसके साथ तो यही हिसाब है, हाथ तो आया पर मुंह ना लगा, लेकिन आखिरकार बेचारे को खाना मिल ही गया। इससे पहले वीडियो में इन आंटी को देखिए जरा, जो हाथ में एक छोटी सी बच्ची को रखी हुई है और अचानक से जोर जोर से कूदना शुरू कर देती है। जिनके बाजू में जो औरत इनसे उस बच्ची को लेने की कोशिश कर रही है, ऐसा लगता है कि वे उस बच्ची की माँ है। बड़ी मुश्किल के बाद आंटी बच्ची को दे देती है। फिर अब जरा इन पीली साड़ी वाली आंटी को देखिए, कितनी परेशान है, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि कूदने वाली औरत पर माता सवार है। ऐसा सोचकर उनके आगे हाथ जोड़ रही है, न जाने आखिर में ये आंटी कैसे रुकती है। अब जरा इस दूल्हे पर नजर डालिए, इसे देखकर ऐसा लगता है सालों से खुद की शादी में नाचने की राह देख रहा हो, और फिर मौका मिला तो अपना साफा कोट और बाकी सब सामान अपने साथी को दे दिया, और दोस्तों फिर ऐसा ताबड़तोड़ नाचना शुरू किया कि रुका ही नहीं। ऐसे ऐसे स्टेप कर रहा है जो आपने देखे ही नहीं। बेचारी दुल्हन न जाने क्या महसूस कर रही होगी, कैसा नाचने वाला पति मिला है। अरे भाई, नाचने का इतना शौक था तो पहले थोड़ा नाचना सीख लेता, देखा हो गया ना वायरल। अब इस सफेदी की चमकान को देखिए जरा, शादी की इतनी खुशी की शादी के बीच में ही ऐसे खतरनाक तरीके से नाचना शुरू कर दिया। भाई रुक जाता, शादी हो जाने देता, फिर दिल खोल कर नाचता, पंडित जी और दुल्हन दोनों मिलकर रोकने में लगे हैं, पर रुके तब तो। अब जब रुका तो एक मिनट बाद फिर शुरू। लड़की के चेहरे से साफ नजर आता है कि किस चक्कर में फंस गई, ऐसा सोच रही होगी। अब जरा इन अंकल को देखिए, इनके सामने से एक आंटी दौड़ी दौड़ी नाचती हुई निकली। न जाने आंटी को देखकर अंकल को क्या हुआ, एकदम नाचना शुरू कर दिया। अब आंटी एकदम शांत, क्योंकि डांसिंग अंकल का डांस शुरू हो गया था। खतरनाक स्टेप्स करते हुए अंकल ने अकेले नाचने का बीड़ा उठाया, वो भी पूरी जगह कवर करते हुए। जब तक म्यूजिक बंद नहीं हुआ तब तक अंकल रुके नहीं, और पता नहीं म्यूजिक बंद होने के बाद भी रुके या नहीं।
शादी में कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो नाचते नचाते गजब हीरोपंती देखा जाता है, वैसा ही इस वीडियो में भी है। ये हर अंग को हिला कर रख देगा, अपने कुछ ऐसा नाचेगा, इतना नाचेगा कि थक कर एकदम से चूर हो जाएगा। सभी प्रकार के खतरनाक स्टंट कम डांस करने के बाद जब तक चूर होने को होगा और डांस देख रहे लोग सोच रहे होंगे कि बस अब यहाँ से चलना चाहिए, तभी एक नया डांसिंग सुपरस्टार उभरेगा जो डूबती हुई नैया को अपने खतरनाक डांस से पार लगाने के कोशिश करेगा और ऐसा नाचेगा जैसे बिल्कुल बवाल, बोले तो पानी में आग लगा देने वाला डांस के बाद वहाँ आसपास में खड़े माँ बाप अपने बच्चे की भी प्रोत्साहित करेंगे डांस करने के लिए। वाह क्या कमाल की बात है। लेकिन यदि उनका बच्चा ऐसे नाचने लग जाए तो माँ बाप तो सिर पर हाथ धर कर बैठ जाएंगे। अब इस वीडियो में ही देख लीजिए, कुछ वक्त बाद दोनों लड़के साथ मिलकर खूब नाचने लग जाते हैं। तभी एक अंकल आते हैं नीली स्वेटर पहने और बीच बीच में नाचने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन बड़े नचैया के आगे कहां कोई टिक पाता है। उन दोनों के ठांसू डांस के आगे अंकल थक हार कर किनारे हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में डांस करने की तमन्ना बीच बीच में जाग जाती है। और अच्छा, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अकेले नाचना बड़ा पसंद होता है, लेकिन अगर कोई भूल चूक से बीच में नाचने आ जाए तो उसकी हालत बिल्कुल इस वीडियो वाले आदमी की तरह होती है। इसे सिर्फ पटका गया है, मार नहीं पड़ी। इसे अगर ऐसा होता तो ये नाचना भूल जाता। कभी कभी ऐसा होता है, हम बड़ी सावधानी से नाच रहे होते हैं, लेकिन फिर तभी किसी और जोशीले के डांस का खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। यहाँ जो इस लड़की को भुगतना पड़ा है, बेचारी कितने आराम से नाच रही थी, लेकिन बीच में लड़के की लात इतनी जोर से पड़ती है कि लड़की आधी बेहोश हो जाती है। और हो भी क्यों ना, आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बच कर रहिए ऐसे नाचने वाले महा नचैया लोगों से, कहीं किसी की लात आप पर भी ना पड़ जाए, बस आपके हित के लिए है। अब इस दुल्हन के नखरे कौन उठाएगा? दूल्हे के दोस्त दूल्हे को जरा ऊंचा उठा लेते हैं, बस दुल्हन गुस्सा हो गई एकदम और माला एकदम करके रख ली अपने हाथ में कि अब मैं पहनाऊंगी ही नहीं। अब इस दूल्हे को देखिए, कितनी नींद आ रही है इसे। मुझे तो शक है कि ये नींद का नशा है या कुछ और, बस गिरे जा रहा है और उसके दोस्त उसे संभाले जा रहे हैं। इस 40 सेकंड के वीडियो को देखिए और खुद को हंसने से रोकिए। मुझे यकीन है आप नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि दुल्हन खुद नहीं रोक पाई। फोटोग्राफर बड़े चिपक चिपक कर फोटो ले रहा था तो दूल्हे ने एक जम कर दिया। फिर क्या, दुल्हन हंसते हंसते जमीन पर बैठ कर लोटपोट हो गई। अब जरा शादी में खाते हुए इन लोगों को देखिए, ऐसा लगता है मानो सालों से भूखे हो। इनकी थालियां इनके पेट से भी ज्यादा बड़ी है और भरी है। न जाने इतनी भूख कहां से आती है लोगों को, वो भी शादियों में। न जाने शादियों में दुल्हन के डांस करने का ट्रेंड कहां से आया है। अब जरा इस दूल्हे को देखिए, न जाने कितने पी रखी है इसने। इसे दुल्हन और उसकी सहेली में अंतर नहीं समझ आ रहा है। और ये क्या हाथ पकड़ के माला पहनाने के बाद भी गलत लड़की को पहना रहा है, अरे क्या है यार। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने माँ बाप का ध्यान रखें। धन्यवाद।